हम गोवर्धन में एक फ्री स्कूल चलाते हैं। भगवान की कृपा से हम स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन और फ्री लंच और डिनर भी देते हैं। लोग हम पर हंसते हैं जब हम उन्हें इस स्कूल के बारे में बताते हैं। हमारा मानना है कि एजुकेशन और फूड सबके लिए है। पिछले साल जब कोविड आया तो हमने देखा कि साधु गाँव वाले विधवा औरतें बहुत ही परेशान थी, और परेशानी का कारण बीमारी नहीं, बेरोजगारी और भूख थी। उनके पास कोई सेविंग भी नहीं है, वे सब यात्रियों पर निर्भर करते हैं। हम उनकी दयनीय स्थिति देख नहीं पाए। हमने जैसे तैसे ब्रजधाम सेवा के माध्यम से लंच शुरू करा दिया। रोज 400 बाउल्स राधाकुंड और आसपास के क्षेत्रों में बांटे जाते थे। आज इस कार्य को 400 दिन हो गए। यह पैसे की बात नहीं है, अगर आप इनका दर्द देख पाते हैं तो आप मजबूर हो जाते हैं। हमारी सेविंग्स भी लिमिटेड है। अब हम हर महीने गिरिराज की कृपा से जो प्राप्त होता है उससे प्रोग्राम चलाते हैं। मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन जब इन छात्राओं के मुख पर संतुष्टि देखता हूँ, साधुओं को मुस्कुराते हुए देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है। हमारा मानना है ब्रजधाम वासियों को खिलाना भगवान की सेवा से बढ़कर है। कोरोना की यह सेकंड वेव आई है और यह पिछली वाली वेव से बदतर है। हजारों दुकानें बंद पड़ी हैं, साधु सहारा ढूंढ रहे हैं। हमारी इच्छा है कि हम 2000 लोगों को खिलाएं। आपकी सहायता से हम ब्रजधाम वासियों की, गांव वालों की ओर पहुंच सकते हैं। आप एक लंच दे सकते हैं, 10 लंच दे सकते हैं या 100 लंच दे सकते हैं। हम सब मिल जाए तो दुख घट सकता है और भूख मिट सकती है।